हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त गार्नर बॉय आपका वेलकम करता हूँ गार्निंग बॉय यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुलाब पे। तो दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ये है एक देसी गुलाब। दोस्तों, देसी गुलाब एक ऐसा होता है जो हमारे घर में पूरे साल सरवाइव कर लेता है, पर इंग्लिश गुलाब को गर्मियों में प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि वो एक ठंडी का प्लांट है। तो दोस्तों, जो देसी गुलाब है ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये प्लांट मैं पिछले साल लेकर आया था और इसको गर्मी में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है, और जैसे ही बरसात का टाइम आया तो इसमें बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ और फ्लावरिंग शुरू हो गई है। दोस्तों, वैसे तो इसकी फ्लावरिंग जो है वो हमारे को मई जून के महीने में भी मिलती है देखने के लिए, पर इसके फूल जो होते हैं वो बहुत छोटे आते हैं। सर्दी आते आते ही इनके फूलों का साइज़ बढ़ने लगता है। और देसी गुलाब की एक खासियत है कि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो दोस्तों, ये जो प्लांट है, इस प्लांट की अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसे बोन मील, नीम खली जो है कि इसके लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने अभी तक इसमें कोई और फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, अभी मैंने इसमें जो है बोन मील और नीम खली ही दे रहा हूँ। और इसे वीक वीक में एक बार मैं इसमें बर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद इसमें मैं देता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे गुलाब का प्लांट बहुत ही अच्छा चल रहा है। दोस्तों, आगे हम अक्टूबर में कुछ इंग्लिश गुलाब भी लगाएंगे, तो दोस्तों उसकी अपडेट आपको मिलेगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी।